हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज हम चला के देखने वाले हैं ह्युंडई वर्ना 1.6 वाली। ये इंजन है जो सेम क्रेटा में बैठ करता था और मैंने आज तक इंजन ड्राइव नहीं कराया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है चलने में। मेरे ख्याल से अभी मैं 1.5 जो चला रहा हूँ तो मैंने क्रेटा का और जो सेल्टोस में तो वो मैं काफ़ी चला रहा हूँ। अभी इसमें कैसा है, ये इंजन की परफॉर्मेंस कैसी आती है वो हम देखेंगे। ये अभी हालांकि डिसकंटिन्यू हो चुका है BS6 नॉर्म्स के चलते हुए। अभी मैं इसकी अगर इंजन नॉइज आपको सुनाऊँ तो इंजन नॉइज तो इसमें 1.5 से काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ये कहूँगा मैं। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है इसमें, लेकिन पिकअप वगैरह देखते हैं कि उस हिसाब से कैसा आता है। बाकी जो अभी 1.5 वाला है, जो अभी वरना में भी आ रहा है, क्रेटा, इनके वेन्यू वगैरह, इनमें उसमें तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट है, बहुत कम नॉइज़ है। और अंदर इंस्टॉलेशन की बात करें तो हल्की मुल्की सी इसमें वाइब्रेशन भी ज़रूर है। तो अभी चला के देखते हैं। मेन 6 गियर इसमें भी आते थे, 6 गियर अभी भी आ रहे हैं। इसमें अगर हम पावर की बात करते हैं तो 126 BHP की पावर मिलती थी 260 Nm के टॉर्क के साथ। अभी नया इंजन जो 1.5 लीटर का इसमें आया है, उसमें आपको मिलती है 250 Nm का टॉर्क और 115 BHP की पावर, तो करीबन 11 BHP की पावर उसमें घटा दी गई है। चलो भाई, इसको चला के देखते हैं कैसी है। मैं पहली बार चला रहा हूँ सीरियसली, और ये टॉप वेरिएंट है। जो अपग्रेड वगैरह करा था भाई ने, उसकी वीडियो आपको आपने देख ही ली थी कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और गाड़ी ओनरशिप के मामले में कैसी है। अगर माइलेज वाइलेज की बात करते हैं तो 1.6 के हिसाब से भाई ने इसमें 16-17 के लगभग बताया था, जो कि काफ़ी सही है। अभी वरना का कंफर्ट लेवल बिल्कुल अलग होता है। अभी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा एक बार मूड कर भी रहा था जब मैं सेल्टोस देख रहा था कि एक बार वरना का जो वो है बेस वाला मॉडल S वो लिया जाए डीजल में, लेकिन फिर वही थी, घर वाले भी नहीं माने कि अगर नीची गाड़ी तो हम पे पहले बलेनो है, ये ऊँची गाड़ी लेंगे, तो इस वजह से मेरा मूड था। वरना इसके जो लुक्स वगैरह देखते हैं ना, लुक्स जो बहुत तगड़े निकल के आते हैं। फिर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो भाई, नो डाउट एनी टाइम एनी डे ये अपना 1.5 से तो बेहतर है। इसमें अगर आप चलाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस जो अपना पिकअप वगैरह है वो अलग लेवल की मिलती है। हालांकि आपको इतनी ज़्यादा इंसुलेशन इसके अंदर नहीं मिलती है, इतना साइलेंट इंजन नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए ना कि भगाने के लिए मेरे को कार चाहिए तो उसके मामले में तो भाई बहुत ही सही है। प्लस एक सेडान है जो वो अच्छा परफॉर्म करती है। अगर ड्राइविंग की बात करते हैं, इसमें बॉडी रोल वगैरह तो आपको बिल्कुल मिलता ही नहीं, अब कैसी झुला लो कार को। अच्छा, एक चीज़ है यार, जिसके लिए हुंडई बदनाम है ना, इसके स्टेयरिंग के लिए, वो चीज़ आपको वरना में 101% मिल जाती है। बहुत ज़्यादा लाइट स्टेयरिंग है, इतने पे तो देखो अनरिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव है इतने पे तो। बाकी इसमें तो मेरे ख्याल से कोई अपग्रेड नहीं करा रखा ना आपने? ना भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। इंजन लाइन वगैरह तो कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है, भारतीय जो मॉडिफिकेशन है वही है। और पहले फिलहाल अभी दूसरी अल्टोटल लॉस होगी ना, तो अगर मैं आपने देखने मिलता हूँ तो खिड़की वगैरह उसके उसने लेकर डैम्पिंग वगैरह सब कुछ करवा रखो, तो जो इसमें ना है वो उसमें भी था। बट वो भाई थोड़ा स्पीड में चले, उसने टोटल लॉस कर दी। इसमें भाई बस केवल ना अपीयरेंस के हिसाब से चेंज करा रखे हैं भाई ने, मैकेनिकल इसमें 1% भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन फिर भी स्टेयरिंग शुरू से ही ऐसा है क्या? हाँ भाई, स्टार्टिंग थी इसमें भाई। ये चीज़ तो हुंडई को जरूर सुधार करनी चाहिए। अब जैसे मेरे को यहाँ से इस बंदे को एकदम काटना है तो देखना एकदम भाई, स्टेयरिंग के मामले में तो अच्छा नहीं है। अपना किया का और जो अपना मारुति वारुति यही सही देते हैं, बाकी दूसरी कंपनी से अगर हम बात करते हैं। एक चीज़ और बता दूँ भाई, मैं स्टेयरिंग के बाद अपना जो एक बार गियर दिखाना भाई अपना, देखो मैं क्या फील करता हूँ कि जो मैं अभी 1.5 जो डीजल चलाता हूँ ना, उसमें 6ठा गियर तुरंत मांगते है गाड़ी, 5वां लगाने के बाद तुरंत, जैसे अपना 3रा 4था 5था 6ठा। इसमें क्या है कि 5वें पे घनी देर टिकती है गाड़ी, 150 जाती है। पता नहीं भाई क्या सीन है अपना, ये जल्दी से 6ठा गियर नहीं मांगती। अभी आने वाला इंजन बहुत जल्दी से 6ठा गियर मांगने लग जाता है। बाकी इसको थोड़ा मुँह साइड लेके चलते हैं, AMP चढ़ा सर, AMP पर उतर ना पाएंगे ना। अब देखो भाई दिखाने एक मिनट भाई, 63,000 चल रही। सर्विस कॉस्ट वगैरह बता दूँ, पैकेज ले रखो मैं 20,000 रुपये का, दो सर्विस होती है, सब कुछ, अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब कुछ होती है उस चीज़ में, हर बार पैकेज लेता हूँ, तो 10,000 रुपये सर्विस कॉस्ट पड़ती है इसकी, 10,000 रुपये सर्विस कॉस्ट आती है इसकी। हाँ, पर 63,000 चला दिया रे। हाँ, मैं तो अभी देखी भाई, 63,000 तो बहुत ज़्यादा चल गई 2 साल के अंदर है भाई, देख लो जी। और सिर्फ मैं नहीं चलाई किसी ना, और मेरे को दो गाड़ी होती हुई जब इतनी चली है। दूसरी गाड़ी कौन सी है भाई? पहली होंडा सिटी थी, अब फिलहाल इनोवा ब्रेज़ा है, दोनों। अच्छा, तो 63,000 चल गई भाई, तभी ये इस हिसाब से गाड़ी थोड़ी सी डगमगा रही है स्टीयरिंग के मामले में भाई। अगर भगा के स्पीड में कट मारोगे तो हैंडल अपना आप लगेगा, अच्छी फीलिंग आ रही है, तो उस हाई स्पीड में तो हो ही जाए। हाँ, वो चीज मैं दिखा रहा था ना, देखो मैं खूब इसको खींच रहा हूँ, 80 गाड़ी चढ़ रखी है, लेकिन RPM आप देखेंगे अभी 2,000 भी नहीं चढ़ रहा है, 6ठा गियर मांग ही नहीं रही गाड़ी। इतने में अगर दूसरा वाला इंजन होता तो आराम से मांग लेता कि भाई मेरे को 6ठा गियर दो,
यहाँ पे देखो अभी थट्टा गियर लगाया, थोड़ा सा लेग सा तो है लेकिन पिकअप के मामले में तो बहुत बढ़िया। ये देखो ब्रेकिंग के मामले में तो जैसा भाई ने बताया था यार, कार वीक है। जो इसकी फ्रंट की जो दो डिस्क ब्रेक हैं वो कामयाब नहीं है इतनी, पीछे भी होनी थी। पीछे जो पुरानी वाली 2013 में थी उसमें भी कामयाब नहीं है, होंडा की डिस्क ब्रेक नाम नाम के चल नहीं है। अब क्रेटा में तो दिक्कत आवे बहुत ज्यादा, मैंने डिस्क बदलवा भी ली भाई एक बार तो। अच्छा यार बहुत ज्यादा नॉइज भी अंदर आवे हायर आरपीएम्स पे तो भाई आवे 1500 से ऊपर जाते ही। अभी वाली में तो बहुत इंप्रूवमेंट है यार रियलिटी में। अगर भाई इंजन जो एक टोयोटा की फॉर्च्यूनर पुरानी वाली में सेल्फ मारो नई वाली में सेल्फ मारो फर्क ना है, तो वो यार जितना भारी इंजन होगा उतनी तो आवाज करेगा ही ना अंदर। वैसे सही है यार भगाने के मामले में सही है तो। मैं कह रहा हूं कैंप चढ़ा हुआ आप अपने बेर ना चले क्योंकि यार का 150 60 70 चली गई 200 चली गई पता ही ना चले यार गाड़ी कहां फील दे रही है। एक थोड़ी सी ऊंची मेट्रो होते 120 30 भी आपने लगाया तेज चला रहा हूं कि हम चलाई होगी थोड़ी सी फीलिंग आओ ना हवा वगैरह की जो थोड़ी सी फील ना बिल्कुल भी। हाँ अब थोड़ा विजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये जो अपनी विंडशील्ड है ना पूरा मस्त नजारा आता है, पूरा व्यू आता है। बोनट वोनट तो दिखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन विजिबिलिटी काफी सही मिल जाती है। कोई दिक्कत आती है भाई कभी विजिबिलिटी में आपको? तो अभी जैसे हम आइडल खड़े हैं ना तो अभी इस पर जैसे आप हाथ रखेंगे तो वाइब्रेशन फील होता है। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स का भाई नहीं लग रहा है मेरे को तो। भाई चीज जेन्युइनली बताऊं आपने वैसे फील ना हो रही, हल्का सा अप होए के थोड़ा सा बैठ जो थोड़ी बहुत देर में अपना फील आने लग जाएगी। मतलब लगता है गर्मियों में भर गर्मियों में है भाई बहुत ज्यादा फायदा है बिकॉज क्यों यार मैं अदर गाड़ी चलाऊं उसमें पीछे पसीना आ जावे बिल्कुल भी कैसी पसीना नहीं आपने थोड़ा गर्मी में ठंडा फील होगा। अच्छा बाकी थोड़ा ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं इसका थोड़ा सा ना 50 की स्पीड में ब्रेक लेंगे कितनी देर में साइड की स्पीड पे। ठीक है यार हार्ड ब्रेकिंग करें तो रुक तो जा रही है आपके पैडल में मेरे ख्याल से दिक्कत है कुछ ना पैडल में ना है भाई हुंडई का पैडल ही ऐसे। अच्छा रोडी भी आ गई तो पैडल लॉक हो जाएगा आपका कर कर करके कर कोई सी चला लो हुंडई की हम तो सारी गाड़ी घर पे लगभग हुंडई की है तो कोई सी चला लो ब्रेकिंग के मामले पैडल लॉक सबसे पहले इसका हुआ है। चौथे गियर में तो भाई बॉडी रोल तो नहीं है बिल्कुल भी, ये वायद है ना सेडान का टायर तो स्पिन मारते हैं यार देखो इतनी स्पीड में काटोगे सेडान है बट बॉडी रोल नहीं है और गाड़ी रोल ओवर जल्दी से ना हुए कितनी स्पीड में आप कर लो गाड़ी फिरे को ना यार हम वापस में एक दिन तो रेस कर यार बढ़िया भाई यार और स्पीड में चीज है भाई भगने का मामला है कि है सेडान ये एक भी ना नहीं चाहिए वीडियो में क्या अरे टेन से ही ना लो सारी आओगी। चलो भाई ये था वरना SX ऑप्शनल का एक थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस 1.6 वाला यार सही इंजन है अभी तो। हालांकि आप इसको चाहकर भी नहीं खरीद सकते सेकंड हैंड मिल रही है वो अलग बात है लेकिन चलाने में बढ़िया है। लेकिन अभी 1.5 ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा सही लगता है, थोड़ा सा पावर में आपको लैग मिलेगा लेकिन रिफाइनमेंट वगैरह में माइलेज वगैरह में वो इंजन ज़रूर बेहतर है। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।